तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं वान अचानक से बिना किसी को इन्फॉर्म किए कहीं चले जाती है। तो मोन इस बारे में किम को इन्फॉर्म करती है। तो किम अपने माँ के साथ स्कूल में आती है और किम चारों तरफ स्कूल में वान को खोजने लगती है, बट वान कहीं भी नहीं मिलती है। तो किम स्कूल के पीछे वाले ट्री के पास आकर देखती है, जहाँ पर हम वान को देखते हैं जो ट्री के नीचे बैठी होती है। तो किम वान के पास आकर वान को अपने साथ ऑडिशन के लिए लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में वान के पास मेट का कॉल आता है और वो मोन के बारे में बताती है कि वान की माँ ड्रंक होने की वजह से बाथरूम में गिर गई। तो ये सुनकर वान जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती है और हम वान को देखते हैं जो सीधे हॉस्पिटल में आकर अपने माँ से मिलती है। तो माँ वान को देखकर माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि आज वान का ऑडिशन था, बट वान माँ की वजह से ऑडिशन अटेंड नहीं कर पाई, जिस वजह से माँ माफ़ी मांगने लगती है। तो वान ये देखकर माँ को हग करती है और संभालने लगती है। और वहीं किम को हम देखते हैं जो अपने माँ के साथ हॉस्पिटल में मौजूद होती है। तभी हम सैमोन को वहाँ पर आते हुए देखते हैं जो गिरते पड़ते हॉस्पिटल में आती है और रिसेप्शनिस्ट में पूछने लगती है यहाँ पर किसी एक्ट्रेस की माँ एडमिट है तो वो कौन से रूम में है। तभी किम पीछे से सैमोन को आवाज़ देती है, तो सैमोन किम को देखकर उसके पास आती है और वान के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है और उसकी माँ कैसी है। तो किम बताती है वान अभी अपने माँ के पास है और उसकी माँ अभी ठीक है। तो सैमोन हॉस्पिटल में आने का वजह पूछती है कि ऐसा क्या हो गया जो माँ को एडमिट करना पड़ा। तो किम अल्कोहलिक होने के बारे में बताती है। तो ये सुनकर सैमोन जोर से वान के माँ के ड्रंक होने के बारे में कहने लगती है। तो किम आहिस्ते से बोलने को कहती है। तभी सैमोन के पास माली का कॉल आता है और माली वान के बारे में पूछती है। तो सैमोन चिल्लाते हुए कहने लगती है कि वो अभी ठीक है, बस माँ अल्कोहलिक होने की वजह से सीरियस हो गई, जिस वजह से एडमिट होना पड़ा। तो वहाँ की नर्स सैमोन को चिल्लाते हुए देखकर आहिस्ते बात करने को कहती है। तो फिर से हम सैमोन को देखते हैं जो अपने फ़नी हरकत की वजह से फिर से चिल्लाते हुए माली से कहने लगती है यहाँ की नर्स आहिस्ते बात करने को कह रही क्योंकि यह हॉस्पिटल है तो मैं अभी बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दोनों नर्स के साथ साथ किम और उसकी माँ के रिएक्शन देखने के लायक रहता है क्योंकि सैमोन आहिस्ते बात न करके इतना लाउड बात करती है कि उसकी बात हज़ारों लोग सुन ले। तो किम यही सब देखकर शर्मिंदा हो जाती है और सैमोन किम के पास आकर बैठती है। तो इसके बाद हम तोन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आती है और किम से वान के माँ के बारे में पूछती है। तो किम सब बताती है और पूछती है क्या ऑडिशन वान के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो तोन बताती है ऑडिशन में जेसी को सेलेक्ट कर लिया गया है, तो इस बारे में वान को अभी नहीं बताना क्योंकि अगर वान को पता चलेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसकी हालत वैसे ही ख़राब है, कहीं और बात बिगड़ ना जाए। तो ये सुनकर किम पूछने लगती है वान को क्या हुआ, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही। तो तोन वान के डिप्रेशन के बारे में बताती है। तो ये सुनकर किम वान के लिए परेशान हो जाती है कि वो डिप्रेशन में है और इस बारे में किम को बिल्कुल भी पता नहीं। तो इस बारे में किम वान से बात करती है और यहाँ पर सैमोन को भी वान के डिप्रेशन के बारे में पता चल जाता है। तो सैमोन वान को रिलैक्स फील कराने के लिए कुछ ऑर्डर करने के बारे में बात करने लगती है और वान को जो भी प्रॉब्लम है इस बारे में बात करने को कहती है कि जब भी वान को अकेला फील हो तो हम सब के पास आ जाना, हम सब तुम्हारे साथ है। तो ये सब सुनकर वान सैमोन को ड्रामेटिक होने को मना करती है और कहती है अगर तुम मेरे लिए फिक्र कर रही तो अपने हाथ से बना हुआ कुछ खिलाओ। तो ये सुनकर सैमोन जल्दी से वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वान के लिए कुछ बनाने चले जाती है और यहाँ पर वान किम को देखकर कहती है तुम मुझे बेचारी वाली नज़रों से नहीं देखो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो किम कहती है जब भी तुम मेरे साथ रहो तो स्ट्रांग बनने का कोशिश नहीं करना, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। तो वान कहती है मैं आज तक जो भी कुछ की ये सोच कर की कि तुम मुझे देखकर प्राउड फील करो, बट अब ऐसा नहीं रहा, तुम अब मेरे साथ नहीं हो तो मेरे लिए अब से फिक्र नहीं करना और ना ही कभी मेरे पास आने की ज़रूरत है और मेरे डिप्रेशन के बारे में जानकर तो बिल्कुल भी नहीं आना, अगर तुम मेरे पास आ गई तो शायद मैं अपने आप को लेकर अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगी। तभी किम के पास मार्विन का कॉल आता है और वान किम को मार्विन से बात करते हुए देखकर पूछती है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो किम हाँ कहती है। तो ये सुनकर वान कहने लगती है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने वाली, बस तुम्हारे लिए विश कर सकती हूँ, मैं जो अभी फील कर रही वो तुम कभी समझ नहीं सकती क्योंकि हमारे बीच जो कुछ अभी हो रहा वो सब तुम्हारे वजह से है। और यह सब कहकर आज के लिए थैंक्स कहती है। किम वान से मिलने के लिए आई और बात की तो इस वजह से वान थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद वान अपने माँ के पास हॉस्पिटल में होती है और माँ के हालत को देखकर माँ को संभालती है। सच कहूँ ना ये दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है, हस्बैंड कैसे मोन को छोड़कर जा सकता था, अगर वो नहीं जाता तो शायद ये फैमिली आज से बहुत अच्छे सिचुएशन में रहती। वान अपने माँ को डिप्रेस देखकर खुद अकेला फील करने लग गई। माँ की हालत को देखकर वान भी बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरी होगी क्योंकि ना ही माँ अपने दिल की बात किसी से कह पाई और ना ही वान अपने माँ को देखकर इस तरह से अपनी दिल की बात किसी से कह पाई। उसके पास सिर्फ एक ही जरिया था, वो भी किम,
जिसके साथ वान अपने दिल के बात शेयर कर सकती थी, बट अब किम भी उसके साथ नहीं है। तो यही सब सोचते हुए वान भी बहुत डिप्रेस रहने लग गई, क्योंकि माँ की हालत बहुत ख़राब है और अभी किम भी वान के पास नहीं है। खैर, वान के लाइफ से किम को चले जाने के बाद वान को हम बिल्कुल भी हंसते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि किम ही एक वजह थी जो वान के फेस पर मुस्कुराहट लाती। और अब किम वान के साथ नहीं है तो वान हर वक्त किम के बारे में याद करने लगती है कि जब वो दोनों साथ थे तो कितने खुश रहा करते, वो दोनों साथ में हंसते खेलते घर को क्लीन करते, और फिर से वान किम को अपने पास महसूस करती है। यहाँ पर वान किम और माँ की वजह से पहले ही स्ट्रेस में है, और एक रीज़न भी है जो ऑफेंसिव कमेंट देखकर वान बहुत ही डिप्रेस हो जा रही, यानी कि वान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि जो लोग उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं वो सब वान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, जिस वजह से वान ये सब रीड करके बहुत परेशान होने लगती है। तो जब रात हो जाती है तो हम फिर से वान के ड्रीम को देखते हैं, जहाँ पर वान किम को अपने पास देखती है, और किम वान को सोते हुए देखकर उसे जगाती है और कहने लगती है, तुम ड्रीम में काफ़ी खुश नज़र आती हो। तो वान पूछती है, क्या मैं रियलिटी में खुश नहीं हूँ? तो ये सुनकर किम कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता? और वान के हालत को देखकर सैड हो जाती है। तो वान सैड होने को मना करती है, तो किम कहती है, तुम ड्रीम में हमेशा के लिए नहीं रह सकती, रियलिटी में तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखना होगा और खुश रहने की कोशिश करना। तो ये सुनकर वान कहती है, मैं अपने तरफ से सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश की, बट कभी मेरे लिए खुद का टाइम नहीं मिला, तो अब मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने आप को ध्यान रखूँ। तो किम ये सुनकर वान को डॉक्टर के पास जाकर मिलने को कहती है। तो यही बात पर वान रियलिटी में डॉक्टर से मिलने के लिए आती है, और यहाँ पर वान के बारे में डॉक्टर पूछती है, आजकल कैसा चल रहा? तो वान बताती है, आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा, और रात को नींद नहीं आ रही, और ना ही कुछ खाने का मन कर रहा। और ये सब कहकर वान पूछती है, सोशल मीडिया पर जो लोग ट्रोल कर रहे उससे कैसे डील किया जाए? वो लोग मुझे जानते तक नहीं, बट फिर भी मेरे लिए ऑफेंसिव कमेंट कर रहे, मैं रिप्लाई करने के बारे में सोचूं भी तो वो सब रुकने वाले नहीं। तो डॉक्टर कहती है, तुम ये सब करना क्यों चाहती हो? अगर तुम कुछ एक्शन ली तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। तो वान कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों चुप रहूं? वो सब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे तो मैं कैसे शांत रहूं? तो यह सुनकर डॉक्टर कहती है, वो सब जो करे उन्हें तुम रोक नहीं सकती। तो वान सब कमेंट का रिप्लाई देने का बात करती है कि जब तक वो सब कमेंट करते रहेंगे तब तक वान रिप्लाई देती रहेगी। तो डॉक्टर कहती है, तुम उन सब के पीछे पड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रही, अगर तुम एक भी ऑफेंसिव कमेंट को रिप्लाई देती हो तो तुम्हारा रिप्लाई की वजह से कई सारे हेटर्स पैदा हो जाएगा जो तुम्हारे लिए और ज़्यादा ऑफेंसिव कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो। तो वान कहती है, मैं कैसे इग्नोर कर दूँ? वो सब हर जगह पर है, हर एक प्लेटफॉर्म पर वो सब मौजूद है, तो मैं कैसे इग्नोर करूँ? तो डॉक्टर सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा दिन के लिए दूर रखने को कहती है, और ये सब कहकर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है, और वान को आंखें बंद करके उस बारे में सोचने को कहती है जो सबसे ज़्यादा वान को खुशी देती है। तो वान किम को अपने पास देखती है जिस वक्त में ये दोनों एक साथ खुश थे, यानी कि ये मोमेंट को हम देखकर समझ सकते हैं कि वान का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो भी किम, जिसको वान अपने पास देखकर खुश रहती है। और किम के चले जाने के बाद तो हम वान की हालत देख ही चुके हैं कि वो कितना डिप्रेस रहती है। खैर, हम माली और सैमन को ग्रुप चैट में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सैमन वान से पूछती है, क्या तुम रिकवर हो गई? अब तुम्हारा तबीयत कैसा है? तो यह देखकर माली कहती है, वान डिप्रेशन में है, बीमार नहीं, जो तुम इस तरह से बात कर रही। तो सैमन वान से मिलने का बात करती है, और ये दोनों किम से वान के ऑडिशन के बारे में पूछती है, तो किम कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो सैमन आंसर देने को कहती है, तो किम कहती है, मैं अभी बिजी हूँ जिस वजह से आंसर नहीं दे पाई। तो फिर से ये सभी वान के बारे में बात करती है कि वान आजकल किसी से भी बात नहीं कर रही, वान के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से वान किसी से भी एक बार भी कॉल पर बात नहीं की और ना ही किसी से मिली। तो इसी वजह से सैमन और माली वान से मिलने का डिसाइड करती है, और जैसे ही वान से मिलने के लिए ये दोनों उसके घर पर आती है तो उन दोनों को पता चलता है कि वान कुछ दिनों से घर पर नहीं आई, इसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। तो ये दोनों वान को अचानक से गायब होते हुए सुनकर फिर से परेशान हो जाती है, और किम के पास कॉल करके वान के गायब होने के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो किम फिर से वान के बारे में सुनकर परेशान हो जाती है कि वान फिर से बिना कुछ बोले कहीं चले गई, जिस वजह से किम वान को कॉल करती है बट वान रिसीव नहीं करती है, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो वान फिर से अचानक कहाँ चले गई वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ, नेक्स्ट एपिसोड में आज के टोटल 6 एपिसोड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे हम सब काफ़ी दिनों से वेट कर रहे। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करते रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।